एक दो दिन तो सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने राजपथ के अगल बगल तंबू तानकर अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दिए और उनके साथ आई मवेशियों ने वोट क्लब की घास चरनी शुरू कर दी तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। दिन में ये किसान टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के भाषण सुनते और रात में गाने बजाने का दौर चलता। सोफे पर पालती मारकर खांटी गोरखपुरिया लहजे में अपने अफसरों को निर्देश देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खांटी पद में कोई और भी उन्हें मात दे सकता है। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब 1987 में वीर बहादुर सिंह करमूखेड़ी बिजली घर पर प्रदर्शन से शुरू हुए किसान आंदोलन से आजिज आ गए तो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साध कर कहा कि वो उनके गांव सिसोली आकर किसानों के पक्ष में कुछ फैसलों की घोषणा करना चाहते हैं। टिकैत इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस बैठक में न तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा होगा और न ही वीर बहादुर सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी। 11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलीकॉप्टर ने सिसौली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल तक जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें टिकैत के लोगों ने उनके दोनों हाथ जुड़वाकर चुल्लू में पानी पिलाया। वीर बहादुर सिंह ने इस तरह से पानी पिलाने को अपने अपमान के तौर पर लिया। टिकैत यहां पर ही नहीं रुके, जब वो मंच से बोलने खड़े हुए तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी में ही उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। वीर बहादुर इससे इतने नाराज हुए कि वो बिना कोई घोषणा और बातचीत किए हुए ही वापस लखनऊ लौट गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेबाक अंदाज और उनके कुछ अनकहे अनसुने किस्से कहानियों के बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 6 फीट से अधिक लंबे, हमेशा गाढ़े का कुर्ता और गांधी टोपी पहनने वाले और कमर पर दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक पट्टा बांधने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म 6 अक्टूबर 1935 में शामली से 17 किलोमीटर दूर सिसौली गांव में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो बलियान खाप के चौधरी बने तो उनकी उम्र थी मात्र 8 साल। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री बताते हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत संयोगवश किसान नेता बने थे। दरअसल चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। उसी दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी जाने वाली बिजली के दाम बढ़ा दिए। किसानों ने उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। चूंकि टिकैत बालियान खाप के चौधरी थे इसलिए उनको आगे किया गया। उस प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 2 लोग मारे गए। उस घटना ने महेंद्र सिंह टिकैत को अचानक किसानों का नेता बना दिया। कुर्बान अली बताते हैं कि फायरिंग के 2 या 3 दिन बाद जब मैं टिकैत का इंटरव्यू करने उनके गांव पहुंचा तो मैंने देखा कि सैकड़ों लोग उनके आसपास बैठे हुए थे और उन्होंने अपने घर में देसी घी का एक चिराग जला रखा है। उस समय वो सियासत का ABCD भी नहीं जानते थे, बल्कि जब उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बनाई तो बड़े मोटे अक्षरों में उन्होंने उसके पहले लिखा अराजनैतिक। किसी भी राजनीतिक दल को उन्होंने अपने मंच पर आने नहीं दिया। यहां तक कि जब चरण सिंह की विधवा गायत्री देवी और उनके बेटे अजीत सिंह जब उनके मंच के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ सकता। महेंद्र सिंह टिकैत की खासियत थी कि वो सर्वसुलभ थे। विनोद अग्निहोत्री बताते हैं कि जब टिकैत अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तब भी वो अपने हाथों से खेती किया करते थे। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें गन्ने काटते देखा है। वो ठेठ गांव की भाषा में हर व्यक्ति से संवाद करते थे। शहरी बोली बोलना उन्हें नहीं आता था। टिकैत बहुत ही स्पष्टवादी और अगर किसी की बात उन्हें पसंद ना आई तो वो उसके मुंह पर ही उसे झिड़क देते थे। वो प्रेम विवाह और टेलीविजन देखने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन 16 फिल्म देखने के लिए कभी मना नहीं करते थे।
डकैत को चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा जाता था। एक प्रचलित कहानी है कि 7वीं सदी के राजा हर्षवर्धन ने उनके परिवार को डकैत नाम दिया था, लेकिन 20वीं सदी में 80 का दशक आते आते महेंद्र सिंह डकैत खुद किंग मेकर बन चुके थे और 12 लोकसभा और 35 विधानसभा क्षेत्रों में रह रहे 2,75,00,000 जाट मतदाताओं में उनका असर साफ देखा जा सकता था। 1987 में मेरठ में बहुत खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये दंगे 3 महीनों तक चले थे, लेकिन डकैत ने मेरठ शहर की सीमा के बाहर इन दंगों को जाने नहीं दिया था। उन्होंने गांव-गांव जाकर पंचायत की और हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट रखा। उनके मंच पर हमेशा एक मुसलमान नेता होता था, वो खुद मंच पर नहीं बैठते थे, हमेशा किसानों के साथ नीचे बैठते थे और मंच पर भाषण देकर फिर किसानों के बीच चले जाते थे। डकैत के करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के मशहूर बोट क्लब के लोन पर करीब 5,00,000 किसानों को इकट्ठा किया। उनकी मांग थी कि गन्ने का अधिक मूल्य किया जाए, पानी और बिजली की दरों को कम किया जाए और किसानों के कर्जे को माफ किया जाए। दिल्ली आने से पहले उन्होंने शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बहुत बड़े धरने दिए थे। मेरठ में उन्होंने 27 दिनों तक कमिश्नरी का घेराव किया था। दिल्ली जाने की घोषणा उन्होंने अपनी खास शैली में की थी। सिसौली में उनके गांव में महीने की हर 17 तारीख को एक पंचायत हुआ करती थी, उसमें काफी किसान आते थे। उसी में उन्होंने ऐलान किया था कि एक हफ्ते बाद हम सिसौली से दिल्ली तक बुग्गी से बुग्गी जोड़ेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पहले कोशिश की गई कि वो दिल्ली न आए, इसके लिए उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह, राजेश पायलट, बलराम झाकड़ और नटवर सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो डकैत को मना नहीं पाए। बाद में उन्हें दिल्ली आने दिया गया। ये माना गया कि किसान दिल्ली में 1 या 2 दिन रुककर वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इंडिया गेट और विजय चौक के बीच एक तरह का डेरा ही जमा दिया। मध्य दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इलाके पर इस तरह किसानों का कब्जा न तो पहले कभी हुआ था और न ही आज तक हो पाया है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और बैलगाड़ियों के काफिले में करीब एक हफ्ते का राशन लिए दिल्ली में घुसे थे और आनन फानन में उन्होंने बोट क्लब को अपना स्थायी घर बना लिया था। 1-2 दिन तो सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने राजपथ के अगल बगल तंबू तानकर अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दिए और उनके साथ आई मवेशियों ने बोट क्लब की घास चरनी शुरू कर दी, तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। दिन में ये किसान टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के भाषण सुनते और रात में गाने बजाने का दौर चलता। विजय चौक से इंडिया गेट तक किसानों के लेटने के लिए पुआलें बिछा दी गई थी। दिल्ली के संभ्रांत वर्ग के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था जब उन्होंने इन दबे कुचले किसानों को कनॉट प्लेस के फब्बारों में नहाते देखा। रात में बहुत से लोग कनॉट प्लेस बाजार के दालान में चादर बिछाकर सोने भी लगे, लेकिन डकैत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो वहां से तब तक टस से मस नहीं होने वाले थे जब तक सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए राजी नहीं हो जाती। इस बीच उनका प्रिय हुक्का हमेशा उनके सामने रहता और वो बीच बीच में माइक पर जाकर अपने लोगों का मन लगाए रखते। पुलिस ने राजपथ के पास इकट्ठा हुए लाखों किसानों को भगाने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाए। उस इलाके में पानी और खाने की सप्लाई रोक दी गई। आधी रात के बाद उन लोगों और उनकी मवेशियों को परेशान करने के लिए लाउडस्पीकर पर शोर भरा संगीत बजाया जाता। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और दिल्ली के सभी वकील भी किसानों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए। नैनीताल के कुछ अमीर किसानों ने वहां धरना दे रहे किसानों के लिए सेब से भरे ट्रैक्टर और गाजर का हलवा भिजवाया। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री और कद्दावर जाट नेता देवीलाल को महेंद्र सिंह डकैत का इस तरह प्रदर्शन करना रास नहीं आया था। उनकी नजर में उन्हें राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पहले लड़ाई लड़नी चाहिए थी। उस जमाने में न तो मोबाइल फोन थे और न ही इंटरनेट और टेलीविजन चैनल, लेकिन इसके बावजूद डकैत का आंदोलन कृषि विशेषज्ञों और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहा था। बोफोर्स स्कैंडल से जूझ रहे राजीव गांधी को उनके सलाहकारों ने डकैत से ना उलझने की सलाह दी थी। सरकार की तरफ से रामनिवास मिर्जा और श्यामलाल यादव डकैत से बात कर रहे थे। इस बात का भी दबाव था कि 31 अक्टूबर से पहले सारा मामला निपटा लिया जाए,
क्योंकि उसी स्थान पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का समारोह मनाया जाने वाला था। आखिरकार सरकार ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की रैली का स्थान बदलकर शक्ति स्थल पर कर दिया। सरकार को परेशानी में देख टिकैत को मजा आ रहा था। वो बार बार कह रहे थे, पता नहीं कब तक हमें यहाँ रुकना पड़े, किसानों को किराए पर यहाँ नहीं लाया गया है। लेकिन 30 अक्टूबर को अचानक शाम को 4 बजे टिकैत ने ऐलान किया कि भाइयों बहुत दिन हो गए, हमें घर पर कामकाज करना है, हम ये धरना खत्म करते हैं और अपने गाँव को वापस चलते हैं। राजनीतिक टीकाकारों के लिए ये आश्चर्यजनक था क्योंकि तब तक सरकार ने औपचारिक रूप से टिकैत की 35 सूत्री मांगों में से एक भी मांग को नहीं माना था। ये आश्वासन जरूर दिया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। टिकैत के इस ऐलान के बाद किसानों ने राजपथ से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। किसानों के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद से ही बोट क्लब पर रैलियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे थे निडर, साहसी और कद्दावर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत। उम्मीद है ये वीडियो आपको दिलचस्प लगा होगा। यदि हमारी और भी वीडियो आपको पसंद आती हैं, हमारे प्रयास आपको पसंद आते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक में, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।